खबर यूपी के जनपद कासगंज से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव एटा लोकसभा सीट से सपा के घोषित प्रत्याशी देवेश शाह के समर्थन में थाना ढोलना क्षेत्र के रानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान रानी अवंतीबाई की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने पीडीए पंचायत को संबोधित किया। उपस्थित जन समुदाय और पार्टी के कार्यकर्ताओं से एटा लोकसभा से सपा प्रत्याशी देवेश शाह को जिताने की अपील करते हुए सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वामी जी अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, वो अपनी पुत्री संघमित्रा को अपनी पार्टी के सिंबल और झंडे पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ाएं। स्वामी जी लगातार पिछले दिनों से बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उनकी बेटी ने भी उनके बयान का समर्थन नहीं किया। ये पीडीए पंचायत जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में पूरे प्रदेश में चल रही है, कासगंज जनपद की ऐतिहासिक पीडीए मीटिंग पार्टी उम्मीदवार भाई देवेश जी के लिए सहयोग और समर्थन की अपील करने आए हैं आप सबके बीच। और मुझे खुशी है, लोगों में जिस तरह का उत्साह है, मुझे यकीन है कि देवेश जी यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। सांसद जी जो लगातार आपके इंडिया के माध्यम से लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है? अभी कारण तो वही लोग बताएंगे। अब भाई जो जा रहे हैं ये कारण वही उन्हीं से पूछिए। जहाँ तक मैं इतना ही कहूँगा, देश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे विराट व्यक्तित्व और बड़े दिल का कोई दूसरा नेता नहीं है अपने सहयोगी दलों के लिए। सहयोगी दलों का जितना सम्मान, जितना मान, जितनी भागीदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ रही, उतनी किसी दूसरे दल के साथ संभव नहीं है। जहां चौधरी साहब की आपने बात की, 7 लोकसभा की सीटें चौधरी साहब ने खुद भी ट्वीट किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी किया था, 7 सीटें उनको दी गई थी। अब पूछो जाके बीजेपी से कितनी ले पाए वो। एक बात और बताइए, आपके जो भाषण थे उन्होंने पार्टी स्वामी प्रसाद क्या कारण रहा, ऐसा क्यों आपके? अब जो छोड़े हैं उसका जवाब तो वो देंगे। कल मैंने भी आप सबके माध्यम से सुना कि नए दल की बात कर रहे हैं, तो मेरी उनको इतनी ही राय है कि जो नया दल बनाएं, उस नए दल के झंडे और सिंबल पर कम से कम अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ा लें। मैं और लंबी चौड़ी इधर उधर की बात नहीं करता, अपनी बेटी को जो कि सांसद हैं वर्तमान में बदायूं की, वो स्वामी प्रसाद जी के नई पार्टी के सिंबल पर और उसके झंडे पर चुनाव लड़ें, ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ स्वामी प्रसाद जी से। क्योंकि आज तक पिछले कई सालों से स्वामी प्रसाद जी हमारी पार्टी के सदस्य रहे, हमारी पार्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन उनकी बेटी नहीं आई। पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था उनके बयानों को, हालांकि पार्टी ने लगातार कहा कि उनके व्यक्तित्व बयान हैं, लेकिन आज तक उनके किसी बयान का समर्थन उनकी खुद की बेटी ने नहीं की। तो मेरी राय है स्वामी जी को कि वो अपने नए दल के सिंबल पर, नए दल के झंडे पर अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ा दें। तो कहीं ना कहीं इस इस्तीफे में उनकी बेटी बज रही है, बेटी बजा रही है। मुझे क्या पता, ये तो बजे बुझानेंगे। मैं तो एक उम्मीद कर सकता हूँ, चुनाव चूंकि उम्मीद है अगले 10-15 दिन के अंदर घोषित होगा, और सुना है कि कल वो नए दल के गठन की कोई मीटिंग कर रहे हैं, जैसा मीडिया के माध्यम से खबरें हम तक भी आई हैं। आदरणीय सलीम शेरवानी साहब ने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी है, इसको मिस इंटरप्रिटेशन न करिए। आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब से कल ही मेरी बात हुई है, पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, कोई मिस इंटरप्रिटेशन न करिए। सलीम साहब सेकुलर ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे, मैं ऐसी उनसे उम्मीद लगाई हूँ और मेरी उनसे यही बात हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ओबीसी के समाज के बड़े नेता थे, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि कहीं नुकसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए मैंने शुरू से कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना सहयोगी दलों का या पार्टी में जो लोग आए बाहर से, देश में इतना विराट व्यक्तित्व का कोई दूसरा लीडर नहीं है